से। ये देखिए आपकी भी है ना ब्यूटीफुल। मैं रात से ही निकल चुका था तो आज मैं उत्तराखंड के टूर पे हूँ और मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ हरिद्वार से। टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, चलिए हरिद्वार की तरफ चलते हैं। हरिद्वार से नीलकंठ यात्रा में आप सभी का स्वागत है एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग इट बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट अबाउट दिस स्पिरिचुअल एंड होली प्लेस ऑफ इंडिया, सो स्टे ट्यून विद मी। तो अब मैं आप सबको लेके चलता हूँ हरिद्वार और चलते चलते जानते हैं हरिद्वार से जुड़ी हिंदू धार्मिक मान्यताओं और गंगा मैया के साथ हरिद्वार के इतिहास के बारे में। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी सिर्फ 285 किलोमीटर है। पर्सनल या पब्लिक व्हीकल से आप 3 या 4 घंटे में सफर को आराम से पूरा कर सकते हैं। रोडवेज बसेस की बात करें तो वो 250 रुपए के आसपास आपको चार्ज करती हैं और एसी क्रूजर बसेस आपको 500 रुपए पर पर्सन। दूसरे शहरों से अगर आप आ रहे हैं तो पहले आप दिल्ली के ISBT बस अड्डे पहुंचिए और वहां से सीधी बस हरिद्वार की ले लीजिए। इस रंग बिरंगी मार्केट की अपनी अलग शान, अपनी अलग पहचान है। राशि के रतन से लेके अनोखे शंख, अद्भुत रुद्राक्षों की भरमार आपको यहाँ मिलेगी। शुद्ध जड़ी बूटियाँ, भारत का स्पिरिचुअल कल्चर संजोए ये बाजार आपको खरीदारी की यादें देता है। पीतल तांबे के बर्तन, धार्मिक ग्रंथ, सभी कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है। तो यहाँ से शॉपिंग करने का अलग ही अपना एक एक्सपीरियंस है, तो वो आप भी जरूर फील करें। चार धाम यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है और इसी को चार धाम यात्रा का द्वार भी कहा जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री और श्री बद्रीनारायण धाम और श्री केदारनाथ धाम का रास्ता यहीं से जाता है, इसलिए इसे हरिद्वार और हरद्वार दोनों ही कहते हैं। इसके अलावा इसको मायापुरी, गंगा द्वार और कपिल स्थान भी कहा जाता है। इवन फॉरनर्स ऑल्सो यूज टू से इट गेटवे ऑफ गॉड। देश विदेश से हर दिन यहाँ लाखों लोग दर्शन और स्नान करने आते हैं। तो चलिए अब हम भी दर्शन करते हैं। चलिए अब हर की पौड़ी की तरफ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। तो पहले पार्किंग लगा लूँ, उसके बाद स्नान करते हैं, उसके बाद कुछ खाना खाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से हर की पौड़ी का घाट। अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, आज काफ़ी ज़्यादा उफान है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है आज के दिन। आप दोनों तरफ की घाट में आपको दिखाता हूँ एक बार, आप देखिए। तो मैं हूँ मेन चौराहे पे, हर हर महादेव। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और उधर ऊपर है मनसा देवी मंदिर। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, तो मैं अभी स्नान करता हूँ और स्नान करते टाइम तो मैं शायद आपको दिखाऊँ। मैं स्नान करने वाला हूँ इस तरफ और आपको मैं अगर पास से दिखाऊँ, बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैं आपको बहाव दिखाऊँ, गंगा मैया का पानी काफ़ी तेज है और ये चेन सिस्टम इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया। अगर कोई बह के भी आता है वहाँ से तो वो चेन पकड़ के बच सकता है, जाल बिछा रखा है इन लोगों ने। हर हर गंगे। गंगा मैया के बारे में आप सभी जानते हैं, समुद्र मंथन का आखिरी रतन अमृत था जिसे भगवान धन्वंतरी लेके प्रकट हुए थे, जो देवताओं के चिकित्सक और आयुर्वेदिक के जनक थे, फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा। अमृत देखते ही राक्षसों यानी कि दैत्यों ने उसे छीन लिया था ताकि वो अमर हो सके और इसी छीनाछपटी में अमृत की कुछ बूंदें 12 जगह गिरी, जिसमें से 8 जगह स्वर्ग लोक में है और बाकी की 4 धरती पर जहाँ पे अमृत गिरा था। पहला हरिद्वार की हर की पौड़ी में, दूसरा प्रयागराज की गंगा यमुना सरस्वती के संगम में, तीसरा उज्जैन की सिप्रा नदी में और चौथा नासिक की गोदावरी नदी में। उसी अमृत की वजह से गंगा नदी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। बात करें कुंभ के मेले की तो ये हर 12 साल में एक बार लगता है और इन्हीं 4 जगह में से बारी बारी से किसी एक जगह इसका आयोजन होता है। 12 दिनों में करोड़ों लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं और इस जन्म और पुराने जन्म के पापों से मुक्त होते हैं। विश्वास और श्रद्धा से मांगी हर विश आपकी यहाँ पे पूरी होती है। तो आप लोगों ने देखा, मैंने स्नान तो कर लिया है और मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मोहनपुरी वाले के पास। पीछे आप देख रहे होंगे मोहनपुरी वाला, यहाँ पे इनका काफी अच्छा नाम है यहाँ पे। तो मोहनपुरी वाला मैं आपको दिखाता हूँ, काफी भीड़ होती है यहाँ पे और आपको ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो मोहनपुरी वाले के पास जरूर आएं। यहाँ का स्वाद अगर आप एक बार लेते हैं तो आपको काफी मतलब मजा आने वाला है काफी ज्यादा। आज ऐसा लगा कि मतलब बस डुबकियां लगाते रहो, मन एकदम शांत हो गया। तो अब हम हरिद्वार से निकल के जा रहे हैं नीलकंठ महादेव, यहाँ से जल ले लिया, नीलकंठ महादेव जा रहे हैं। चार धाम अगर यात्रा पे अगर आप जा रहे हो चार धाम यात्रा पे
तो यात्रा की शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है, इसी को द्वार बोलते हैं। ऐसे ऐसे देखिए मंदिर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ये देखिए काफी मंदिर, और देखिए काफ़ी जगह भी बना हुआ है। प्राचीन काली माता मंदिर हर की पौड़ी हर की पौड़ी हरिद्वार से श्री नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी 54 किलोमीटर है। आप लोकल शेयरिंग ट्रांसपोर्ट से ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पहुंच सकते हैं, जिसका आपको 80 से 100 रुपए किराया देना होगा। वहां से नीलकंठ महादेव 22 किलोमीटर है और किराया 120 से 150 रुपए आपको देना होगा, या आप हरिद्वार से डायरेक्ट टैक्सी करके पहुंच सकते हैं। मुझे तो बस जल अभिषेक करने की थोड़ी सी जल्दी है, तो आप वीडियो के साथ बने रहना। अब हम निकल रहे हैं यहां से ऋषिकेश, जो यहां से 34 किलोमीटर है। अब गाइस टाइम आ गया है हरिद्वार को बाय बाय करने का। बाय बाय का मतलब आना भी हम तो यहीं से है, लेकिन गंगा का आप पानी देख रहे हो बस। तो तैयार हो जाइए इन खूबसूरत रास्तों से गुजरने के लिए, क्योंकि मैं आपको पूरे रोड की और पूरे कैसे कैसे आपको वहाँ पहुँचना है उसकी देने वाला हूँ पूरी जानकारी। हरिद्वार के लिए मैं दिल्ली से रात में ही निकल गया था और मुझे यहाँ पे आने में 4 घंटे लगे, बिकॉज मैं सेफ ड्राइव करके आया हूँ 80 की स्पीड में। हाईवे काफी ज्यादा अच्छे बन चुके हैं, सारी सड़कें एकदम न्यू हैं। रुड़की जहाँ घंटों के जाम में पहले फंसे रहते थे, टूटे फूटे रास्तों से होके निकलना पड़ता था, अब यहाँ रुड़की बाईपास बन चुका है, तो काफी ज्यादा राहत मिल चुकी है। आई मीन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में बनवाया है, तो आप सभी अब आराम से आ सकते हैं। एकदम स्मूथ ड्राइव करके एकदम स्मूथ रोड आपको मिलेंगी सारी, कोई जाम नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। अब आपको दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही आसान हो गया रास्ता। आप भी अगर बाय रोड आ रहे हो तो आपको ट्रैवल का मजा आने वाला है काफी ज्यादा, क्योंकि दिल्ली से ऋषिकेश और उससे भी ऊपर की जो भी सड़कें थी वो सारी एकदम नई बना दी है। ऋषिकेश में भी काफी जाम होता था क्योंकि यहाँ से चारधाम यात्रा चालू होती है, तो अब काफी सारे फ्लाईओवर उन्होंने बना दिए हैं, अंडरपास बाईपास बन गए हैं, और रोड मतलब ऐसे बना दिए हैं कि आपको एक सिंगल गड्ढा आपको रोड पे नहीं मिलेगा देखने को। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश श्यामपुर बाईपास होते हुए, जो यहाँ से सीधा नटराज चौक निकलेगा। और अगर आप चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं तो अदर स्टेट व्हीकल्स के लिए साइड में आपको ऋषिकेश का RTO दिख रहा होगा ऑफिस, यहाँ से आपको ग्रीन कार्ड मिलता है जो आपका यात्रा का परमिट होता है। यही यार मेरे को जाना है नीलकंठ। नटराज चौक हम पहुंच चुके हैं, अब हमें टिहरी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होना है, भद्रकाली मंदिर के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। हमारा जो पड़ाव है वो पहाड़ों की तरफ हो रहा है, तो ऐसे ही रोडों से हमारा सामना होगा, जो बैंड और घुमावदार हैं काफी। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। इस एडवेंचरस जर्नी के अंदर आप सब शामिल हो चुके हैं, और इसके साथ बने रहिएगा, काफी सारी सीरीज में इसकी डालता रहूंगा। भद्रकाली मंदिर से हमें राइट लेना है, ये बाईपास हमें राम झूला और लक्ष्मण झूला ले जाता है, हमें जाना है लक्ष्मण झूला। यहाँ से 28 किलोमीटर आगे है, यहाँ से सीधा जाओगे 6 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी पुल आएगा, उस पुल को क्रॉस करके लेफ्ट लेना है। यहाँ से लक्ष्मण झूला आएगा ना? लक्ष्मण झूला हाँ यहाँ से नीलकंठ में आएगा, बाकी राफ्टिंग वगैरह करना तो राफ्टिंग हो जाएगा। राफ्टिंग कहाँ? राम झूला, लक्ष्मण झूला, गरुड़ चट्टी, मोहन चट्टी, गोबर सब आएगा। तो अब हमें लक्ष्मण झूला पहुंचना है, वहां से आगे 5 किलोमीटर पे आपको राइट हैंड साइड पे कट मिलेगा जो हमें ले जाता है गरुड़ चट्टी पुल पे। लक्ष्मण झूला से भी 2 रास्ते जाते हैं, पहला बैराज वाला रास्ता जो नीलकंठ जाने का पुराना रास्ता है, ये थोड़ा ओवर एडवेंचरस है, आई मीन वहाँ पे टाइगर लेपर्ड ये सब मिलना बहुत ही नॉर्मल बात है, और रोड भी उतनी ठीक नहीं है। तो हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से जो है गरुड़ चट्टी पुल वाला। इसके अलावा एक पैदल रास्ता भी है जो पूरा ट्रैकिंग का रास्ता है, सीधी खड़ी चढ़ाई जो आपको जंगल के बीच से निकाल के नेचुरल बने रास्तों से सीधा नीलकंठ महादेव मंदिर ले जाती है। गरुड़ चट्टी पुल से नीलकंठ महादेव की दूरी 22 किलोमीटर है, और इस ट्रैकिंग वाले रास्ते से आप 11 किलोमीटर चल के भी जा सकते हैं, पर इस रास्ते से जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इन खूबसूरत पहाड़ों की वादियों में कौन नहीं आना चाहता, यहाँ हवा में जो खुशबू है वो जैसे आपको वापस जाने ही नहीं देना चाहती है, मन करता है बस कुछ और दिन यहाँ रुक जाएं। दिल को सुकून देते हैं नज़ारे, आपको हर टेंशन से मिनटों में निकाल देते हैं। नेचर सच में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, जितनी तारीफ करो उतनी कम। चेहरे पे स्माइल देती धीमी ठंडी चलती हवाएं, इन वादियों में चहचहाती चिड़ियाओं का गाना, प्यार से बना हुआ पहाड़ी खाना, बार बार ये सब आपको यहाँ पे वापस आने का लालच देता है। जिंदगी में ऐसी जगह नहीं आए तो आपने क्या घूमा। तो आप भी जरूर प्लान करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। होप आपको दिख रहा होगा राम झूला, लक्ष्मण झूला, इसको ऐसे ही पहाड़ नहीं बोलते, वो देखो पहाड़ मतलब पत्थर,
क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, देखो एक सिंगल पत्थर की चट्टान है। ये देखो इतना इतनी प्यारी तितलियाँ कितनी सारी हैं। और उसके बाद ये देखो पहला झरना दिख गया, छोटा सा है बट क्यूट है। नज़ारा देखो यार क्या मस्त, बिंदास मौसम, आनंद ये लगे। तो दोस्तों अब हम गरुड़ चट्टी पुल पहुंच चुके हैं। पुल क्रॉस करके हमें आगे से लेफ्ट लेना है और यहां से जो रास्ते स्टार्ट होंगे वो काफ़ी छोटे और पतले रास्ते हैं। के सिंगल रोड का रास्ता थोड़ा खतरनाक भी है और एडवेंचरस भी है। मेरे जैसे बाइकर्स को बाइक राइडिंग करने का असली जो मजा है वो ऐसी रास्तों पर आता है। आप बाइक या कार से आ रहे हैं अगर अनएक्सपीरियंस हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप 120 रुपये दे के टैक्सी से आइए, अदरवाइज पूरी सेफ्टी से आपको यहाँ पे ड्राइव करना होगा, बहुत ही आराम से आपको पहुँचना होगा। ड्राइव की स्पीड 20 से 30 रखनी होगी। हॉर्न का जो असली जो यूज़ है ना वो पहाड़ों में ही होता है, तो हर मोड़ पे आप हॉर्न दें यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गरुड़ चट्टी पुल से रास्ते छोटे और संकरे हो जाते हैं जो सीधा ऊपर ऊंचे पहाड़ों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आपकी ड्राइव वाली साइड पे ही गहरी खाइयाँ हैं तो यहाँ आराम से और सब्र से गाड़ी चलाएं, ड्राइव स्लो करें और सेफली करें, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहाँ से ये रास्ता सीधा यमकेश्वर मंदिर के लिए जाता है जो यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है, बट हमें जाना है ऊपर और 5 किलोमीटर आगे नीलकंठ महादेव के लिए। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर मणिकूट, विष्णुकूट और ब्रह्मकूट इन तीन पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऊंचे पहाड़ों के संगम पर बना है नीलकंठ महादेव का मंदिर। समुद्र मंथन में जो पहली चीज निकली थी वो था कालकूट विष, जिसकी थोड़ी सी मात्रा से तीनों लोक समाप्त हो सकते थे। दैत्यों और दानवों ने मिलकर भगवान शिव को पुकारा, तीनों लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया और माता पार्वती ने भगवान का कंठ दबाया ताकि विष पेट में ना जा सके और विष भगवान के कंठ में ही ठहर गया। उसकी ज्वाला इतनी ज्यादा थी कि भगवान ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया और 60,000 सालों तक तपस्या की। रास्ता बहुत शानदार था, काफी मजा आया। अब मैं नीलकंठ मंदिर जो है हरिद्वार से 50-52 किलोमीटर के आसपास है, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और बस यहाँ से 200-250 मीटर ही बस मंदिर रह गया है, आप देख सकते हैं। तो हरिद्वार के बाद अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे भी जल चढ़ा के वहाँ से निकलने के बाद काफ़ी सारे बैंड वाले रास्ता मैंने कवर किया, थोड़ा सा टाइम हो गया, मैं आराम आराम से आ रहा हूँ। तो गाइज फाइनली नीलकंठ महादेव मंदिर आ गया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी यहाँ पे, और यहाँ का जो व्यू है ना काफ़ी ऊंचाई पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। सी ये देखिए आप व्यू है ना ब्यूटीफुल। ये मैं जिस रेस्टोरेंट में रुका हूँ जहाँ पे मैंने सामान रखा है और प्रसाद भी मैंने यहाँ से लिया है, सी कितना ब्यूटीफुल है, ये यहीं का नज़ारा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर हर महादेव। तो मैं जल चढ़ाने आया हूँ यहाँ पे, वीडियो में मेरे पैरों की धमधम की सब वाइब्रेशन आ रही है। तो सामने मंदिर है, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ नीलकंठ मंदिर। सी काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आगे पहाड़ों के बीच में नीलकंठ महादेव का ये मंदिर है। हर हर महादेव। काफ़ी सारी दुकानें इधर और अंदर, मैं भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे जो हरिद्वार से जल भरते हैं वो जल चढ़ाने का जो लाभ है बहुत ज़्यादा मिलता है भक्तों को। महादेव के दर्शन से पहले अगर आप यहाँ के कुंड में स्नान करते हैं तो आपकी सारी थकावट उतर जाती है। नीचे पानी की बहुत ही औसम धारा है, इसकी आवाज़ आ रही है बड़ी मस्त, अच्छा लग रहा है काफ़ी, बहुत अच्छा
मन को सुकून मिल रहा है। अभी लाइन लगी पड़ी है, अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है। आई थिंक मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप यहाँ पे आके दर्शन ज़रूर करना। और बाकी इसके मंदिर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ, दर्शन मैं करके आता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ। गंगा नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ गंगा का जल अर्पित करने से हर जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत नीलकंठ मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा मंदिर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलकंठ महाराज जी के हम दर्शन करके आ गया हूँ। मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा जलाऊ की थी। मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ, नीलकंठ महाराज जैसा आप समझते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 तरीके की अलग अलग चीज़ें निकली थी, जिसमें से विष भी निकला था। और जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक विष था उसका नाम है कालकूट, वो विष भगवान ने अपने पी लिया। अगर उसको नहीं पीते तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता, और उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसको जहर को पिया। और उस जहर के अंदर इतनी ज्वाला थी, इतनी पावर थी, उसको शांत करने के लिए भगवान ने पंकजा और मधुमती नदी के पास एक पंचमणि नामक पेड़ था, वहाँ पे भगवान ने आराधना करी और तपस्या करी 60,000 साल तक भगवान ने यहाँ पे तपस्या की थी। और यहाँ पे उन्होंने एक शिवलिंग जो स्थापित किया था, वो वही शिवलिंग आपके दर्शन आप यहाँ पे करते हैं नीलकंठ महाराज। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं और वहाँ का जल यहाँ पे अर्पित करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब आपके लिए लाभ हो जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय बोल के हाथ जोड़ लेने से भोले बाबा भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो और इसमें बताई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पे शेयर भी करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले सफर पे। हर हर महादेव।